चुनाव से पहले एक महिला ने गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे रवि किशन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए कई ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दिया जो किसी न किसी मामले में फंसते गए और उन्होंने अपना टिकट वापस कर दिया, चाहे वो पवन सिंह हो या फिर बाराबंकी से बीजेपी सांसद उपेंद्र सिंह रावत। इन दोनों ने अपने टिकट वापस किए। वही अब एक और भाजपा सांसद की मुश्किलें बढ़ने वाली है और वो सांसद बीजेपी के बड़े नेताओं के बहुत करीब हैं। वो एक भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े सुपरस्टार भी हैं। जी हाँ, नाम तो समझ ही गए होंगे कि बात किसकी हो रही है। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन अभी तक तो मस्त होकर चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन अब उनकी टेंशन बढ़ गई है। जी हाँ, एक महिला का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो रवि किशन पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। अपर्णा ठाकुर नाम की महिला का दावा है कि रवि किशन की उनसे शादी हुई थी और उनकी एक बेटी भी है। उन्होंने बताया कि रवि किशन ने 1996 में परिवार व दोस्तों के सामने उनसे शादी की थी। दोनों की शादी के बाद एक बेटी का जन्म हुआ जिसको अब रवि किशन सामाजिक तौर पर नहीं अपना रहे। इस खबर के आने के बाद बीजेपी में हड़कंप मच गया। जी हाँ, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। महिला ने अपना हक पाने के लिए लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपर्णा ठाकुर तथा कथित रवि किशन की बेटी को भी अपने साथ लेकर आई। इस दौरान महिला ने कहा कि रवि किशन उनके संपर्क में रहते हैं, लेकिन सार्वजनिक और सामाजिक तौर पर वह उन्हें व उनकी बेटी को अपना नहीं रहे, इसलिए आज मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। इस दौरान अपर्णा ठाकुर ने कहा कि हम चाहते कि मेरी बेटी को रवि किशन की बेटी होने का हक मिले, जिसकी वह हकदार है। तो बेटी को हक दिलाने के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ऐसा उनका कहना है। अब इसमें सच्चाई कितनी है ये तो खैर जांच का विषय है। 4 PM इसकी पुष्टि नहीं करता है। अभी पूरे मामले की जांच होगी, उसके बाद ही सच मालूम पड़ेगा कि आखिरकार इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है। ये महिला है कौन? जिस तरीके से ये महिला तमाम आरोप रवि किशन पर लगा रही है, उन आरोपों में दम कितना है, सच्चाई कितनी है, ये तो खैर जांच का विषय है। बता दें कि महिला ने कहा कि मेरे पास तमाम फोटोग्राफ्स और सबूत है, जिससे यह साबित हो जाएगा कि मैं रवि किशन की पत्नी हूं। मेरी बेटी को अब तक रवि किशन की बेटी होने का हक नहीं मिला है। इसके लिए आज मैं सार्वजनिक मंच से अपनी बेटी के हक के लिए अपील कर रही हूं। अगर मेरी बेटी को रवि किशन हक नहीं देते हैं तो मैं कोर्ट में न्याय की गुहार लगाऊंगी। पहले आप सुनिए उस महिला को जिसने रवि किशन पर आरोप लगाया है, और उसके बाद आपको हम सुनाएंगे कि जो उस महिला के साथ में जो वो दावा कर रही है कि वो रवि किशन की पत्नी है, और उसके साथ में जो लड़की है वो रवि किशन की बेटी होने का वो महिला दावा कर रही है। तो पहले आप सुनिए उस महिला को, उसके बाद आपको हम सुनाएंगे उस महिला के साथ आई उस लड़की को। पहले आप सुनिए महिला को। मेरा नाम अपर्णा है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मतलब है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बिटिया जो रवि किशन की डॉटर है, उसको उसका हक मिले, उसके अधिकारों के लिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हूँ और मैं कोर्ट भी जाने वाली हूँ। एक बड़ा आरोप आप लगा रही हूँ। किस रवि किशन? मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ। किस रवि किशन की बात कर रही हूँ पहले ये बताइए? मैं जो रवि किशन है उन्हीं की बात कर रही हूँ, जो आप कह रहे हैं। वो एक्टर भी है, सांसद भी है, उनका नाम है मिस्टर रवि किशन। हाँ, तो मैं रवि की बात कर रही हूँ। आप फिर से अपने जवाब को दोहराइए। हाँ, क्या आप क्या अपनी मांगे हैं, आप किस तरह की आज यहाँ मांग लेकर आई हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस? मेरी ये मांगे हैं कि मेरी डॉक्टर को वो या तो अडॉप्ट करे या लीगली उसको उसकी राइट्स मिले, जो ऑफकोर्स वो हकदार है उसकी। बस मेरी ये ही मांगे और कुछ नहीं है। और उसके लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की है, बट मैं कोर्ट में भी जाने वाली हूँ। आई विल गो बाय लॉ एंड आई ट्रस्ट लॉ। क्या वो जो आपकी बेटी है उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? पहले उन्होंने एक्सेप्ट किया, नहीं, नहीं सामने कर रहे हैं एक्सेप्ट। आप समझ रहे हो, जब सामने सामने होते हैं ना तो एक्सेप्ट करते हैं, जब मिलते हैं तो एक्सेप्ट करते हैं, बट पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करते। आपकी शादी हुई है किशन से? या शादी हमारी हुई है, यानी ऐसे बोल सकते हो कि मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ, क्योंकि
दोस्तों के सामने, फैमिली के सामने उन्होंने सिंदूर भी लगाया है और मंगलसूत्र भी पहनाया है। और मैं जब भी उनके साथ में रहती थी तो मैं सिंदूर लगा के रहती थी। उसके मेरे पास में काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स भी है, हम तीनों के भी फोटोग्राफ्स है। कब शादी हुई थी आपकी? हम लोग की हुई थी 96 में। कहाँ पर? बॉम्बे में। शादी के नहीं है क्योंकि देखो क्या है ना, तब फोन ही नहीं था, आप समझ रहे हैं, क्योंकि जो पहले की बात है वो फ़ोन नहीं था। बट हाँ, हम लोग घूमते फिरते थे तो हम तीनों के बहुत सारे फोटोग्राफ साथ में हैं, मेरे उनके भी साथ में हैं, जो बच्ची साथ में है, मैंने सिंदूर लगाया हुआ है, और काफ़ी सारे ऐसे फोटोग्राफ्स भी है वीडियो के। उनकी मम्मी डैडी के साथ में भी वीडियो है, जो उनकी बहन की लड़की है वो कह रही है मामी आप अपने सास ससुर के लिए कुछ कहो, वो सारे वीडियो हैं जो मैं कोर्ट में देने वाली हूँ, कोर्ट क्यों जा रही है? क्योंकि मैं थक गई उनसे बोल के, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे आपको? नहीं मुझे वैसे, मेरे सामने एक्सेप्ट कर रहे हैं बट वैसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और वैसे कोई हेल्प भी नहीं कर रहे हैं दुनिया के सामने। नहीं एक्सेप्ट नहीं, और मेरे को ये नहीं चाहिए था, मैं एक्चुअली क्या है ना, मैं ये नहीं चाहती थी कि दुनिया के सामने एक्सेप्ट करें, मैं पहले ये चाहती थी कि इसके लिए कुछ करें, क्योंकि जैसे उनकी दूसरी बेटियाँ हैं वैसे ये भी बेटी है, और आप दूसरी बेटों के लिए कर रहे हो, और आपने पूरा अबेंडन कर दिया अपनी खुद की बेटी को, आपने कुछ भी नहीं किया, कभी भी नहीं, आज तक उनसे एक हेल्प नहीं मिली है उनको। अब आप कोर्ट जा रही हैं कि जा चुकी हैं? जाने वाली हूँ। आप कोर्ट जा रही हैं? हाँ जी। के खिलाफ? हाँ जी। मैम, मुख्यमंत्री साहब क्या मांग करती हैं इस पूरे मामले को लेकर? मुख्यमंत्री से मैं ये ही मांग करती हूँ कि मेरी डॉटर को न्याय मिले, जो रवि की डॉटर है तो उसको ये मिले कि या तो वो अडॉप्ट करे या तो उसको लीगली अपनाए और उसको अपना नाम दे। मैम, आखिरकार चुनाव के समय पर ही किस तरह की बात सामने क्यों आई, इससे पहले आखिर? देखो, चुनाव से वापस मैं आपको कह रही हूँ, जो मैंने कहा है कि चुनाव से मेरा लेना देना कुछ नहीं है, मैं चाहती हूँ वो चुनाव जीते भी और लड़े भी, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और टाइम ये है ना कि उनका चुनाव है और इसकी लाइफ है, मैं वापस वही कह रही हूँ कि इतने टाइम हो गया है और एक साल से वो मैं टच में नहीं है। उसके पहले क्या था ना, वो टच में थे मुझसे, नॉन स्टॉप हमारी बातें होती थी, मिलते थे, वो प्रोमिसेस करते थे और मैं कैरिड अवे हो जाती थी कि हाँ कुछ करेंगे कुछ करेंगे। मैम, उनकी फैमिली से क्या आपकी बात हुई पूरे मामले को लेकर? आपने जैसा कहा कि उनकी फैमिली के साथ ही आप रहती हैं? नहीं, उनकी नहीं फैमिली से बात नहीं हुई है, पर उनकी फैमिली को सबको पता है, मम्मी को, मम्मी पिताजी तो है नहीं अभी, बट उनकी मम्मी को, बहन को, भाई को, प्रीति को जो उनकी है, बच्चों को, उनको सबको पता है। हम लोग पहले बहुत मिलते थे पर अब नहीं मिलते। क्या इस पूरे मामले को लेकर आप किसी थाने पर या पुलिस की सहायता भी लेंगी? नहीं, कोर्ट में जाएंगे? कोर्ट जाएंगे? हाँ, मैं उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाना चाहती हूँ, मैं इसकी बस लीगल राइट देना चाहती हूँ। तो मैं कुछ FIR वगैरह अभी तक तो वैसे मेरे लॉयर्स बताएंगे बेटर, बट मैं पर्सनली FIR नहीं करना चाहूँगी, कुछ नहीं करा, लीगली जाके मैं उसकी बस DV करना चाहती हूँ कि उसको उसकी राइट्स मिले बस। मैम, आप लखनऊ की रहने वाली हैं या? नहीं, लखनऊ में हूँ मैं 4-5 महीने से, क्योंकि हम लोग, मैं इसका ब्रांड स्टार्ट करने वाली थी कुछ चिकनकारी का, तो इसके लिए मैं इधर ही हूँ। बेटी आपकी जो है वो क्या करती है? वो फिल्म इंडस्ट्री में। तो आपने सुना किस तरीके से जो ये महिला है जिसका नाम है अपर्णा ठाकुर, ये आरोप लगा रही है कि वो रवि किशन की पत्नी है। अब जो लड़की साथ में है जो दावा कर रही है कि ये रवि किशन की बेटी है, जरा आप इनको भी सुनिए ये क्या कुछ कह रही है। तो मामला ये है कि मैं जो 15 की थी तब मुझे पता चला दैट ही इज़ माई फादर, और मम्मी ने मुझे बोला, मुझे ऑफकोर्स ऐसा लगा इतने टाइम से उन्होंने क्यों नहीं बताया मुझे दैट ही इज़ माई फादर, बट देन आई गॉट टू नो, फिर मैं उनको चाचू बुलाती थी जब तक मैं 15 की थी, क्योंकि वो घर पे आते रहते थे, बर्थडेज पे भी आते थे, मैं उनकी फैमिली से भी मिल चुकी हूँ। और उसके बाद में जब मैंने उन्हें बोला कि आई वॉन्ट टू गेट टू नो यू, आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विथ यू एज अ सब एज अ फादर, ही वॉज नेवर रियली देयर। और मम्मी ने भी उनसे बहुत बार बोला चीज़ें कि प्लीज़ लाइक एक्सेप्ट योर डॉटर या कुछ, तो मतलब आप उनके उसके बात भी नहीं कर रहे हो, आप मुझसे ये भी नहीं पूछ रहे हो कि मैं कैसी हूँ, क्या कर रही हूँ लाइफ में, कुछ भी नहीं। आप गायब हो जाते हो, 2-2 साल गायब हो जाते हो, अभी वो 4 साल से गायब है, मैंने उनसे बिल्कुल बात नहीं की है। तो इसलिए ही आए हैं कि मम्मी को, मम्मी कह रही है वी शुड डू अ कोर्ट केस। मैं तो बस यही, एज अ सिटीजन आई हैव द राइट टू नो हु माई फादर इज़, और आई थिंक आई एम जस्ट लाइक वेरी हर्ट, क्योंकि मैंने
इतने साल तक जब उन्होंने मुझे इतना प्रॉमिस किया है तो मेरे लिए तो वो एक फादर ही थे ना. जब उन्होंने बोला मैं ये करूँगा, मैंने तो उनसे कभी बॉलीवुड हेल्प मांगी भी नहीं थी एंटिल ही सेड कि मैं करूँगा, तुम्हारा तो यही फ्यूचर है, तुम तो स्टार बनोगी, ये सब उन्होंने बहुत कुछ कहा है मुझे. तो मेरे लिए तो मैं हर्ट ही हूँ ना कि आप 4 साल तक गायब ही हो गए हो, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैं ज़िंदा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ या मम्मी क्या कर रही है, तो आप इतने साल तक मुझे क्यों प्रॉमिस कर रहे थे. और मतलब वो ऐसा हो गया ना कि आप मुझे मैनिपुलेट कर रहे थे जब मैं 16-17 की थी कि आई विल बी देयर फॉर यू. तो मेरे मांग तो यही है दैट ही एक्सेप्ट्स मी एज हिज डॉटर और एटलीस्ट ही टेल्स मी व्हाई डिड ही इवन डू ऑल ऑफ दिस, क्यों इतने टाइम तक ऐसे सब किया. या प्रॉमिस ही नहीं करते, बोलते ही नहीं, आप मुझे कभी बोलते ही नहीं ना दैट आई विल बी देयर फॉर यू. आप मुझे कभी ऐसे होप्स ही नहीं दिलाते, अगेन एंड अगेन टाइम एंड अगेन आप मुझे होप्स नहीं दिलाते. आप मुझे बोल देते कि मेरा तेरा से कोई रिलेशन नहीं है एंड मुझे करना ही नहीं कुछ भी, आप निकल जाते मेरी लाइफ से, तो आपने मुझे इतना प्रॉमिस क्यों किया. तो बहुत सारी चीज़ें. आपका नाम क्या है? मैं मुंबई से हूँ, मेरा नाम शिनोवा है. तो सुना आपने, अब इस पूरे मामले की जांच हो, जांच में क्या कुछ निकल कर आता है इसका इंतज़ार करना होगा. और जांच होनी भी चाहिए क्योंकि जिस तरीके से जो आरोप लग रहे हैं इसकी जांच सही से होनी चाहिए ताकि जो सच्चाई है वो सामने आ सके. अब इस मामले को लेकर विपक्ष बीजेपी और रवि किशन पर हमलावर है. सपा नेता आईपी सिंह लिखते हैं कि प्रधानमंत्री जी को इस अवला के सवालों का जवाब देना होगा क्योंकि रवि किशन आपका सांसद है जिसने पत्नी और एक बेटी को दर दर की ठोकरें खाने को छोड़ दूसरी शादी रचा ली. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आप गोरखपुर से उसे चुनाव लड़ा रहे हैं, उस अबला और उसकी बेटी के साथ न्याय करिए. सोशल मीडिया पर और भी लोगों की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. सूर्य नाम के यूजर लिखते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज, अपर्णा ठाकुर जो रवि किशन शुक्ला की दूसरी पत्नी होने का दावा कर रही है और अपनी बेटी जो रवि किशन से पैदा हुई है को अधिकार देने की बात कर रही है, ये सब बीजेपी वाले ऐसे ही होते हैं क्या. दीप सिंह पटेल लिखते हैं कि सोचो भाजपाई रवि किशन के अलावा किसी विपक्षी नेता के ऊपर ये बात आई होती तो तमाम मीडिया वाले घुंघरू पहने नाच रहे होते. भाजपाइयों की मानसिकता का अंदाजा लगाइए आप. सुमित चौहान लिखते हैं कि बीजेपी सांसद रवि किशन पर बहुत बड़ा आरोप लगा है. अपर्णा ठाकुर नाम की इस महिला ने आरोप लगाया कि रवि किशन उसकी बेटी शिनोवा के पिता हैं. महिला ने रवि किशन के खिलाफ कोर्ट जाने की धमकी दी है. चुनावी माहौल में ये विवाद तूल पकड़ने वाला है. जी हाँ, तो चुनावी माहौल में ये जो मामला है तूल पकड़ चुका है, पकड़ने वाला नहीं बल्कि तूल पकड़ चुका है. अब इंतज़ार करना होगा जांच की कि आखिरकार इस मामले की जांच होती भी है या फिर नहीं होती है, और जांच होनी चाहिए ताकि सच सामने आए. ऐसे तमाम वीडियोज़ को देखने का बने रहे 4PM के साथ.